है हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाधीन एंड वेलकम टू आर्चे एनालिस्टिक गार्डन एंड टिप्स। सो दोस्तों, आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसमें बताया गया कि सर प्रोबायोटिक हम कैसे बनाएं घर पे, हम प्रोबायोटिक कल्चर कैसे किए, क्योंकि बायोफ्लॉक इज़ ऑल अबाउट प्रोबायोटिक। अगर आप प्रोबायोटिक आपके पास नहीं है, अगर आप ठीक से नहीं जानते हो, तो बायोफ्लॉक का मतलब नहीं होता। उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ है जानना है, ठीक है। तो मैं वही मैं सोच रहा था, मैं एक वीडियो बना दूं और आप लोगों को एग्जैक्टली बता दूं कि प्रोबायोटिक लैब पे कैसे बनता है, घर पे कैसे बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट किया है कि सर घर बना कैसे प्रोबायोटिक बनता है, मुझे बनाओ। कोई बोलता है कि जो मिट्टी से इनोकुलेशन करके कैसे बनता है, जो पॉन्ड के साइड का मिट्टी है, जो तालाब की मिट्टी है, पानी से कैसे बन रहा है, कैसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब बहुत सारे मेथड उन्होंने बताया। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक साइंटिफिक मेथड बताऊंगा कि लैब पे जैसे हम लोग, जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग लैब पे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि आप घर से आप कैसे जो बना बनाया चीज़ होता है, उसको आप कैसे और ज़्यादा कल्चर करके उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसलिए कि आपको बार बार दुकान जाके या मार्केट जाके आपको प्रोबायोटिक खरीदना ना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर कल्चर घर पे करोगे तो आपका थोड़ा पैसा बचता है, ठीक है। तो मैं पहले लैब वाला मेथड आपको बताऊंगा। तो जो जनरली दो टाइप का मेथड होता है, एक स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड होता है, एक पोर प्लेट मेथड होता है, ठीक है। इसमें आप यही समझ लो, ठीक है, ये जो आपको टेस्ट ट्यूब है ना, ये वाला टेस्ट ट्यूब में आप पकड़ लो, आपका पानी का सैंपल है, ठीक है, या तो आप मिट्टी का सैंपल है जो आप पॉन्ड के साइड से, मतलब तालाब के साइड से लाए हो, ठीक है। ये इनोकुलेशन लूप है जो हाथ में आप दिख रहा है लंबा वाला, तो इसको आप गर्म करके जो भी जर्म से उसको आपने मार दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला चीज, ये वाला इसको बोलते हैं पेट्री प्लेट्स, ठीक है। इस पे एक अगर मीडियम डालना पड़ता है, आप कोई भी साइंटिफिक दुकान पे आपको ये मीडियम मिल जाता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए मिलता है अगर मीडियम। तो उसको थोड़ा सा वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा पानी में मिला के गर्म करना होता है। उसके बाद इस पेट्री डिश में डाल देना, मतलब इसे पोर करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा टाइम रखने के बाद तो सूख जाता है, जम जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो आप, जो इनोकुलेशन लूप है, जो मिट्टी है, तो आपको पानी जो है उस पर थोड़ा टच करके इस वैसे से थोड़ा थोड़ा हल्का से ऊपर से हो, एकदम बहुत हल्का सा घिस देना है, ठीक है। ये जो आप मेथड देख रहे हो, इसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आप घिस सकते हो, ठीक है। ये 6 7 8 पैटर्न आपको दिख रहा है। ये जब पैटर्न आप जब घिस देते हो ना, उसके बाद आपको ये घिसने के बाद उसके बाद आपको इनक्यूबेटर में उसको रख देना पड़ता है, ठीक है। ये बैसिलस सबटिलिस है, तो अराउंड 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको रख देना है, ठीक है। एनी हाउ, अगर आपके पास इनक्यूबेटर नहीं भी है, तो अभी आप गर्म टेम्परेचर पर रखोगे तो भी ये ग्रो करेगा, क्योंकि अभी इंडिया का जो कंडीशन होता है स्पेशली समर में, वो इनक्यूबेटर का कंडीशन पे ही होता है। बट इनक्यूबेटर में और भी थोड़े फीचर्स हो जो घर पर नहीं मिलते, बट सेफर साइड आप इनक्यूबेटर में रखो, ठीक है। तो ये जब हो जाता है, इनक्यूबेटर पर रखते हो, कुछ दिनों के बाद आपको इस टाइप के कॉलोनी दिख के आएगा। ये रियल पिक्चर है, ठीक है, रियल कॉलोनी है, इस टाइप का हो जाएगा। तो मतलब आप श्योर हो कि आपका बैक्टीरिया ग्रो हो चुका है। उसके बाद अगर आप 7 8 दिन रखते हो ना, उसके ऊपर स्पोर्ट्स भी आ जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स भी आता है, और वो स्पोर्ट्स बहुत दमदार होते हैं स्टोर करने के लिए। ये स्पोर्ट्स यूज़ होता है बैसिलस सबटिलिस पे, ठीक है। और यही हमको मार्केट में बेचा जाता है पाउडर के साथ मिक्स करके, ठीक है। और दूसरा टाइप का पाउडर होता है, वो अलग बात है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर जैसे मतलब आपका तो ये बैक्टीरिया ग्रो हो गया, आपने पानी से या मिट्टी से बना लिया, बट आपको कोई पता नहीं है कि ये बैक्टीरिया है क्या, बॉस अच्छा बैक्टीरिया है, ख़राब बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, गुंडा बैक्टीरिया क्या है, आपका मछली को मार डालेगा और क्या होगा। तो उसको इस टाइप के बाद हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेस्ट करते हैं उसको देखने के लिए, पहले क्या है ये पैथोजेनिक है, क्या है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो इस टाइप के हम लोग उसको क्या करते हैं, इस टाइप के हम छोटा सा कांच का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, स्लाइड लेते हैं छोटा सा। उसके बाद ऐसे इनोकुलेशन लूप को इसको थोड़ा सा ऊपर टच करके इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी दे के ऐसे घिसते हैं ऊपर, पहले फैला देते हैं ये बैक्टीरिया को। उसके बाद हम लोग उस पर क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आयोडीन डालते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद डीकलराइजेशन के लिए अल्कोहल डालते हैं, फिर उसके बाद सैफ्रोनिन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट के बाद ये सूख जाने के बाद ये जो स्लाइड होता है, ये वाला फाइनल वाला, ये इस पे माइक्रोस्कोप पर लेके आता है। माइक्रोस्कोप के अंदर लाने के बाद आपको इस टाइप का दिखने को मिलता है, ये आपको ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद अगर
इसके बाद अगर इसके स्पोर्स को आप देखते हो अंडर फेस कॉन्स्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप, तो इसका आपके स्पोर्स भी क्लियरली दिख के आएगा। तो ये बहुत झमेला वाला प्रोसेस है दोस्तों, आप घर पे करोगे आप पागल हो जाओगे। लैब में बहुत प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है, घर पे भी आप कर सकते हो थोड़ा। अगर लैब वैब कोई आप घूम के आते हो आसपास, कोई आपके दोस्त वगैरह है आपको दिखा देता है एक बार दो बार, प्रॉपर कल्चर आपको मुहैया कर देते हैं, ठीक है। आप क्योंकि अभी टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे कल्चर भी मिलते हैं, उसको फिर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये आपके नॉलेज के लिए है, आपने जान लिया अच्छी बात है, कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं जो आप कर सकते हो घर पे आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर वाले हो, आपके पास लैब वैब नहीं है, लेकिन आपको प्रोबायोटिक एक ही बार ख़रीदना है, उसको कल्चर करना है, तो मार्केट से आपने एक प्रोबायोटिक लिया, आपको चार पांच स्ट्रैंड है, ठीक है। और जो प्रोबायोटिक एकदम अच्छा है, जो सटीक है, जिसने सबने आपको कंफर्म किया, मैंने आपके मेरे पुराना वीडियो पे एक फ़ोटो दिया था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 1, उस पर मैंने प्रोबायोटिक बोला, अमेजोन पे मिल रहा है ये, ठीक है। ये आप प्रोबायोटिक आप ख़रीद लेते हो, प्रोबायोटिक में उस पर जो स्पोर्ट्स होता है डोरमेंट कंडीशन में होता है, मतलब वो ज़िंदा होता है लेकिन कुछ करने के लायक नहीं था क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। उसके बाद उस प्रोबायोटिक को क्या करते हो, इस टाइप का आप कंटेनर ले लो, या तो 1000 लीटर का जो इस ग्रीन कलर का ब्लू कलर का ड्रम आता है ना, उस टाइप का ड्रम ले लो, ठीक है। उस पर प्रोबायोटिक आप ऐड करो, 2-3-4 चम्मच ऐड करो, जितना पानी ले रहे हो उसके हिसाब से ½ kg 1 kg जो भी है मोलासेस आप यूज़ करो, या तो मोलासेस नहीं है तो आप जैगरी या गुड़ यूज़ करो, ठीक है। मोलासेस बेटर है, गुड़ जैगरी आप यूज़ करोगे तो भी चल जाता है, पर उसका थोड़ा कॉस्ट है। उसके बाद आप उस पर एरिएशन दो, आपको एक्वेरियम में देखोगे ना, जब बुर 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 जैसे पानी का बुदबुदा उठता है, एकदम एकदम बारीक वाला जो होता है, बट बहुत फोर्स वाला पानी का वो आप एरिएशन उसको यूज़ करो, बस उसको हर टाइम देना है दोस्तों। और अगर आप बैसिलस सबटिलिस कर रहा हो, वो फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, कभी कभार अगर बंद भी हो जाता है, ऑक्सीजन कम भी हो जाता है, तो फ्लॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बैसिलस सबटिलिस और उसके दूसरे जो प्रजाति है उसको आप रखो, ठीक है। ये जब आप एक टैंक ग्रो करते हो ना, एक टैंक से दूसरे टैंक, दूसरे टैंक से तीसरे टैंक, तीसरे टैंक से चौथा टैंक, आप उसका पानी आप एक सर्कुलेट करो, उसके बाद आप मोलासेस ऐड करो, फिर वो मल्टीप्लिकेशन पे ग्रो करते रहेगा। उसके बाद क्या होता है ना, बीच बीच में आप ऐसे इमहॉप कोन पे, या तो आपके पास कोई भी व्हाइट कलर का ग्लास है, या तो मिरिंडा का बॉटल है, ठीक है, वो काट के ना उस पे पानी लेके आप उसको देखा करो कि फ्लॉक जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर कभी आपको लगता है कि फ्लॉक का डेंसिटी कम हो रहा है, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और प्रोबायोटिक दे दो, उसके बाद थोड़ा सा और मोलासेस दे दो, ऐसे करके बढ़ाते रहो। आप घर पे थोड़ा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप घर से ही कैसे बना सकते हो। आपको सिर्फ प्रोबायोटिक चाहिए, आपको कंटेनर चाहिए, आपको एरिएशन का पंप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मोलासेस चाहिए, इतना कुछ हो जाएगा तो आप एक ही प्रोबायोटिक आप ग्रो कर सकते हो, और आपको दूसरा प्रोबायोटिक खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा, अगर आपको थोड़ा आप घर पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इतना आप करोगे, आई होप आप घर पे प्रोबायोटिक कल्चर कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, तीसरी बात है क्या है, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल पे बता रहे हैं कि ये याकूट दही, इससे ही तो प्रो ए भी तो प्रोबायोटिक, इससे भी हम बना सकते हैं दोस्तों। इस पे लैक्टोबैसिलस LCS आपको क्लियरली लिखा है, लैक्टोबैसिलस LCS मतलब इस दही पे भी आपको, इस पे भी आपको लैक्टोबैसिलस मिल जाएगा, ठीक है, योगर्ट पे। उसको आप फिर से पानी पे दो, मोला से दो, हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था बन रहा है, ठीक है। बट भाई क्यों झमेला करने का, आपको बना बनाया चार पांच स्ट्रेंथ मिल रहा है, एक प्रोबायोटिक खरीद लो, एक ही तो खरीद रहे हो, 400-500 दाम है, कॉस्ट है अभी अभी सब लोग लूट रहा है। एक्चुअली ये इसका कॉस्ट 100-150 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, वो भी पैकेज पैकेजिंग के साथ, क्योंकि भी इंडिया में कुछ नहीं है तो लोग लूट रहा है, एक लूट रहा है तो एक ही खरीदो, और उसके बाद खरीदना ही नहीं, उसके बाद आप कल्चर करो, और ये सब बेस्ट है, खा लो, अपना बॉडी पे प्रोबायोटिक दो, आप स्वस्थ रहो, और बाकी का चीज़ मछली के लिए इससे आप काम चला लो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन पसंद आया है। और दोस्तों और एक बात, आपको कौन सा वीडियो चाहिए साइंटिफिक वे में, आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए, जिसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
मैं कुछ मैसेज देख रहा था, उसमें सी एन रेशियो पे बहुत बात हो रहा था, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होना चाहिए। तो अगर वो वाला टॉपिक है तो मैं उस पर भी बात बना सकता हूँ। इस ये छोड़ के भी कुछ कोई अर्जेंट टॉपिक है तो आप बताओ, जो टॉपिक जिस जो कमेंट में जो जिसका रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आएगा वही मैं बनाऊँगा। सो नमस्कार दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप दोस्तों को साथ शेयर करो मेरे वीडियो, जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको फिश फार्मिंग पे बायोफ्लॉक में कुछ सीखना है, और ये कम्प्लीटली आपको साइंटिफिक नॉलेज देगा, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल भी मैं चालू करूँगा थोड़े दिनों के बाद, 6 महीना के बाद रियल टाइम पे टैंक टैंक वगैरह सब आपको बताऊँगा। बट अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल पे आप ध्यान दो, आप सीखो, और हड़बड़ी मत करो। लोगों बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनसे देखो, उनसे सीखो, ठीक है। इनिशियली बहुत सारे गलतियाँ होंगे, लोगों को गलतियाँ देख कर आप सीखो, हड़बड़ी मत करो भाई। 6 महीना लेट हो गया, 1 साल लेट हो गया तो क्या हो गया, एक प्रोडक्शन नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम है, लाखों का नुकसान से आप बच जाओगे, ठीक है। इंडिया में बहुत नया है बायोफ्लॉक, अभी ट्रेनिंग भी बहुत जगह पे मिल रहा है, आपको लेना है नहीं लेना आपका मर्जी है, आपको पता है क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट आप वेट करो, वेट एंड वॉच। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।